भाजपा और आरएसएस हमेशा से महिला विरोधी रहे हैं, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे ये भाजपा और संघी रहे हैं। और आप देख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में महिला कैंडिडेट्स का नंबर क्या है। और यही सवाल जब पूछा गया इनके आरएसएस वाले राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से, तो क्या जवाब देते हैं? ये बताते हैं कि महिलाएं सक्षम नहीं होती, इसलिए उनको आगे नहीं लाया जा रहा, इसलिए टिकट देने के लिए इन्हें महिलाएं नहीं मिली हिमाचल प्रदेश में। ये हिमाचल प्रदेश की महिलाओं का अपमान है और इसीलिए महिलाओं को एक साथ आकर खड़े होना होगा, इनके विरोध में आवाज उठानी पड़ेगी। आपके बच्चों की नौकरियां ये खा गए, आपको विभाजित करने की कोशिश करते हैं और अब ये कहते हैं कि महिलाएं सक्षम नहीं, इसलिए भाजपा उन्हें टिकट नहीं देती। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण होगा, बड़ी अच्छी बात है। जो 68 उम्मीदवार आपने खड़े किए हैं इसमें कितनी महिलाएं हैं? लोकसभा में जो उम्मीदवार खड़े किए थे कितनी उम्मीदवार महिलाएं थी? या लिप सर्विस पे कर रहे हैं? एक बात जान लीजिए, आधी आबादी के लिए। देखिए एक बात जान लीजिए, प्रतिनिधित्व के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी योग्यता, कर्मठता, अनुभव और सर्वसमावेशी रूप में देखती है। यदि हम उस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि आप क्षमता विहीन हो, आप लेजिस्लेटिव के लायक नहीं हो, लेकिन सिर्फ किसी कारण से आप है। दोबारा सुनिए, प्रतिनिधित्व के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी योग्यता, कर्मठता, अनुभव और सर्वसमावेशी रूप में देखती है। यदि हम उस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि आप क्षमता विहीन हो, आप लेजिस्लेटिव के लायक नहीं हो, लेकिन सिर्फ किसी कारण से आप है। कि आप क्षमता विहीन हो, आप लेजिस्लेटिव के लायक नहीं हो, लेकिन सिर्फ किसी कारण से आप है। कि आप क्षमता विहीन हो, आप लेजिस्लेटिव के लायक नहीं हो, लेकिन सिर्फ किसी कारण से आप है। तो सुना आपने, भाजपाई झूठे और मक्कार होते हैं, 5 साल के वादे पूरे नहीं किए और नए नए वादे कर रहे हैं, पर महिलाओं का सम्मान इनके किसी भी रजिस्टर में नहीं लिखा हुआ, इनके एजेंडा में नहीं है। महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देते, महिलाओं को ये पाव की जूती समझते हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा, ये राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा।